दोस्तों आज का टॉपिक है शोल्डर वर्कआउट पे। आज मैं आपको कंप्लीट शोल्डर वर्कआउट बताऊंगा। बहुत अच्छा वर्कआउट है, आप एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कआउट। एक्सरसाइज नंबर 1, बारबेल ओवरहेड प्रेस। दोस्तों ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कंपाउंड एक्सरसाइज है, इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है। आप इसे बैठ के कर सकते हो, खड़े हो के भी कर सकते हो। खड़े हो के करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, वो ज़्यादातर ये एक्सरसाइज खड़े होकर ही करते हैं। इसमें अपनी बैक बिल्कुल सीधी रखें, कोर टाइट रखें, अपने एब्स बिल्कुल टाइट करके रखें, और जब बारबेल को नीचे लेके आएं तो अच्छी तरह शोल्डर को स्ट्रेच करें, और ऊपर लेके जाएं तो अच्छी तरह शोल्डर को स्क्वीज करें। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, फ्रंट शोल्डर भी ट्रेन होते हैं और शोल्डर के सारे मसल्स ट्रेन होते हैं, पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो इसका आप 3 सेट लगाएं, पहले में 12, दूसरे में 10 और तीसरे सेट में 8 रेपिटेशन लगाएं, और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 2, डंबल साइड रेज। ये एक्सरसाइज भी आपको पता है साइड शोल्डर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें ज़्यादा हैवी डंबल ना लें, मीडियम डंबल का ही इस्तेमाल करें। ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है, बस मसल माइंड कनेक्शन बना के चलें। इसके भी 3 सेट लगाएं, हर सेट में 12 से 15 रेप लगाएं, हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 3, डंबल फ्रंट रेज। ये एक्सरसाइज फ्रंट शोल्डर के लिए है, इसमें भी हैवी वेट ना लें, मीडियम वेट ही लें। ये भी एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है, इसके भी 3 सेट लगाएं, हर सेट में 12 से 15 रेप लगाएं, और हर सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 4, अपराइट रो। इसमें इजी बार का इस्तेमाल कर सकते हैं या नॉर्मल बार का भी। इसके भी 3 सेट लगाएं, हर सेट में 12 से 15 रेप निकालें, और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 5, आर्नोल्ड डंबल प्रेस। ये भी शोल्डर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे शोल्डर के सारे पार्ट ट्रेन होते हैं, फ्रंट शोल्डर भी ट्रेन होता है, और शोल्डर 3D शेप में बनते हैं। इसमें डंबल नीचे लाएं तो शोल्डर को अच्छे से नीचे स्ट्रेच करें, और ऊपर अच्छे से स्क्वीज करें। इसके भी 3 सेट लगाएं, हर सेट में 8 से 12 रेप लगाएं, और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 6, ये एक सुपर सेट होगा, जिसमें पहली एक्सरसाइज होगी इंक्लाइन डंबल रिवर्स फ्लाई। इसको आप खड़े होके भी कर सकते हैं, और उसमें बॉडी स्विंग होती है, मसल माइंड कनेक्शन कई बार नहीं बन पाता। इंक्लाइन बेंच पर यह फायदा है कि पूरी बॉडी लॉक हो जाएगी, चीट नहीं हो पाता। इसमें इंक्लाइन बेंच पर लेट जाएं, लाइट डंबल का ही इस्तेमाल करें। जब डंबल ऊपर लाएं तो पोस्टीरियर डेल्टॉइड को अच्छे से स्क्वीज करें, और नीचे अच्छे से स्ट्रेच करें। इसके बाद इसी सुपर सेट में दूसरी एक्सरसाइज होगी फेस पुल। पोस्टीरियर डेल्टॉइड के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है ये भी। मशीन का हैंडल सिर के लेवल पर रखें, रोप आगे खींचें, तो माथे के सामने आने पर रोप खोलें, और पोस्टीरियर डेल्टॉइड को अच्छे से स्क्वीज करें, फिर आगे लेकर जाएं तो अच्छे से स्ट्रेच करें। इसके 3 सेट लगाएं, हर सेट में 12 से 15 रेप लगाएं, मतलब पहले इंक्लाइन डंबल रिवर्स फ्लाई के 15 रेप, और फिर बिना रेस्ट किए फेस पुल के 15 रेप। ये 1 सेट हुआ। इसी तरह 3 सेट लगाएं, हर सेट में 12 से 15 रेप लगाएं, हर सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 7, डंबल शक्स। ये एक्सरसाइज भी आपको पता है, ट्रैप्स मसल्स ट्रेन होते हैं, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, हैवी डंबल का इस्तेमाल करें, और इतना भी नहीं कि आप अच्छे से ऊपर ट्रैप्स को स्क्वीज ना कर पाएं। डंबल ऊपर लेके जाएं तो ट्रैप्स मसल को अच्छे से स्क्वीज करें, नीचे अच्छे से स्ट्रेच करें। इसके भी 3 सेट लगाएं, हर सेट में 10 से 15 रेप लगाएं, और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। तो फ्रेंड्स, ये शोल्डर का वर्कआउट है, काफ़ी अच्छा है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। इसे 2 महीने तक आप फॉलोअप कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो शोल्डर वर्कआउट पर। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।